प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक अच्छा अवसर प्रभु ने मुझे प्रदान किया कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से आप सबों को प्रशिक्षण दे सकूं। और मेरे प्रियो, हमारा विषय है व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार, और आज हम व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार के छठवें अध्याय बाधाएं के विषय में आज हम जानेंगे, आज उसे हम सीखेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम परिचय की ओर जाएं और हम अपने नोट्स में देखते हैं। हमारे प्रतिदिन के जीवनचर्या में सुसमाचार के कार्यों में हम लोग अक्सर निराशा का सामना करते हैं। वे इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विश्वासियों के द्वारा नजरअंदाज या समाज की तरफ से विरोध किया जाना, जबकि सबसे अधिक निराशा विश्वासियों का सुसमाचार प्रचार कार्य में शामिल होने की कमी को पाया जाता है। मेरे प्रियो, अब हम इसे आसान तरीके से समझ सकते हैं कि दो प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आती है। पहली बाधा वो है जो लोग हमें रोकते हैं, लोग हमें मना करते हैं। दूसरी बाधा हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद शामिल नहीं हो पा रहे हैं, हम खुद इसके लिए निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हम खुद लोगों को जो है सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं। और ये दूसरी बाधाएं सबसे अधिक चिंता करने की है। मेरे प्रियो, हमें इस बात में ध्यान देना चाहिए। पवित्र शास्त्र इस विषय में एक पवित्र शास्त्र की घटना को हम देखते हैं, प्रेरितों के काम उसका 5:40। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से उन्हें कहा गया कि यीशु के नाम से फिर बात ना करना, उनको मना किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। और ये समस्या हम अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में भी कई बार हम देखते हैं कि लोग हमें रोकते हैं, लोग हमें मना करते हैं, लोग सुनना ही नहीं चाहते, और इस प्रकार की समस्याओं को आए दिन हम देखते हैं। लेकिन इससे भी एक चिंता करने की जो समस्या है वो हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने आप को रोक रहे हैं। हम कलीसिया के इस सुसमाचार की सेवकाई में अपने आप को शामिल नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक चिंता का विषय है। आइए इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को आज हम जानेंगे, और विशेषकर आज इसके लिए हम 5 बातों को हम देखेंगे। और पहली बात इसमें है पवित्रता की कमी। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में सबसे पहली बात जो आती है वो है पवित्रता की कमी। अब पवित्रता का मूलभूत जो विचार है वो है परिपक्वता की ओर बदलना, परमेश्वर की परिपक्वता में परिपूर्ण होना। कुलुसियों 1:19 जब हम पढ़ते हैं, वहां वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। इसका तात्पर्य है कि हमें यीशु मसीह के समान हो जाना चाहिए, या तो हम कहें यीशु मसीह हमारे शरीर में समान हो जाना चाहिए। लेकिन कई बार हम अपने जीवन को उस पवित्रताई में नहीं लेकर आ पाते हैं, या तो कहें हम पूर्ण रूप से अपने आप को यीशु मसीह की तरह बदल नहीं पाते। और इस जो परिवर्तन है इससे जुड़ी हुई आज हम 3 बातों को देखेंगे। पहली बात है हृदय का परिवर्तन। अगर आप देखें यीशु मसीह के पास जो हृदय था वो किस प्रकार का हृदय था, आप देखें तो वो हमेशा जो है बोझ से भरे हुए थे उन खोई हुई आत्माओं के लिए। देखिए यीशु मसीह का हृदय वो देखभाल करने वाला हृदय था। और दूसरी बात है बर्ताव, हमारा बर्ताव किस प्रकार का है। कई बार देखा गया है कि हमने मसीह को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन आज भी हमारा स्वभाव बदल नहीं पा रहा है, आज भी हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं।
ये एक बहुत ही समस्या की बात पाई जाती है। मेरे प्रियो, आप पौलुस प्रेरित को जब हम लोग देखते हैं, आप देखेंगे कि किस प्रकार से पौलुस प्रेरित ने जब यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त किया और उसके बाद उसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल लिया है, उसने तब्दील किया है। आप देखेंगे कि वो किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सीखने लगे हैं और परमेश्वर के लोगों की संगति करने लगे हैं, और उसके बाद उन्होंने सुसमाचार को सुनाने का निर्णय लिया। और हम जैसा कि जानते हैं, पौलुस प्रेरित परिवर्तित होने के बाद जगह जगह पर जाकर वरन अन्य जातियों के लिए विशेष रूप से उन्होंने अपनी सेवकाई को दिया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि मेरे जीवन में यदि पवित्रता की कमी है, मैं कैसे लोगों को सुसमाचार सुना पाऊंगा। और आप देखेंगे, जब इस पवित्रता की कमी को राजा दाऊद अपने जीवन में महसूस करते हैं, तब वो किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। भजन संगीता 51 और उसके 10 आयत को जब हम देखते, वहां लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, दाऊद उस समय ये प्रार्थना कर रहा है जब नातान नबी उसके पास आए और उनके जीवन के बारे में बताया, और उस समय वो पश्चाताप की प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर से कह रहे हैं कि मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और जब हम 13 वचन देखें, वहां लिखा है, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। और पाप करने के बाद राजा दाऊद भी अपने जीवन में पवित्रता की कमी को महसूस करते हैं। और जब तक हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से पवित्रता को नहीं देखते, या तो हम कहें इन कमियों को दूर नहीं करते, तब तक एक बाधा के समान ये हमारे सामने रहेगी, जिसके कारण हम लोगों को सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम व्यक्तिगत रूप से लोगों को सुसमाचार सुनाएं, लेकिन इसके रोकने वाली चीजें, रुकावट बनकर आने वाली चीजों को हम अपने जीवन में देखते हैं। तीसरी चीज, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार, हमारा संबंध अच्छा होना चाहिए। यदि दूसरों के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है, हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, हम लोगों को सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। और ये जरूरी है मेरे प्रियो कि हम लोगों के साथ अपने संबंध को बनाएं, बेहतर अच्छे तालमेल को रखें, जिसके द्वारा हम लोगों को सुसमाचार सुना पाएंगे। और इसीलिए हमें अपने आप को इस बात के लिए जांचना चाहिए कि हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन में वो कौन सी बात है जिसके कारण मैं अपने जीवन में अपवित्र हो रहा हूं। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम लगातार पाप में बने होते हैं, और ये पाप को हम मानना ही नहीं चाहते, और जब तक हम उन पाप को मान नहीं लेते, वो हमारे लिए बाधा को उत्पन्न करता है। हर प्रकार से वो हमारे लिए समस्या को उत्पन्न करता है, वो हमारे लिए रुकावटों को उत्पन्न करता है। और इसीलिए यदि हम में सुसमाचार की कमी है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम लोग यीशु के समान पवित्र हैं? जब तक हम अपने आप को इस योग्य नहीं बना लेते, जब तक हम अपने आप को इस पवित्रताई में यीशु मसीह के समान नहीं बना लेते, हम नहीं कह सकते कि हम यीशु मसीह के समान हैं।
हम यीशु मसीह के समान पवित्र हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें इसे दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए और उन्हें छोड़ भी देना चाहिए। और इस प्रकार से हम अपने जीवन में आई हुई पवित्रता की कमी को ठीक कर सकते हैं, या तो कहें हम पूर्ण रूप से यीशु मसीह के समान बन जाएंगे। दूसरी बात, स्थानीय कलीसिया का गलत दृष्टिकोण। मेरे प्रियो, हम अक्सर कलीसियाओं में कई बातों को हम देखते हैं, और विशेषकर हम देखते हैं कई बार कलीसिया की सोच या लोगों की सोच इस बात पर निर्भर करती है। वो इस प्रकार से सोचते हैं कि कलीसिया धनी बनने का या आशीषित होने का एक संस्था है, या तो हमें प्रभु के साथ इसीलिए चलना चाहिए क्योंकि प्रभु हमें धनी बनाते हैं, आशीष देते हैं। लेकिन हमें और आपको याद रखना चाहिए, जबकि यह सुसमाचार में शामिल होने की प्रक्रिया को विध्वंस करता है। अब जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, आप देखेंगे, आप कभी भी यीशु मसीह ने यह प्रचार नहीं किया कि तुम धनी बन जाओ, बल्कि धनवानों को कहा कि आप जो है मेरे पीछे आओ। लेकिन आज कलीसिया के अंदर की जो विचार, जो सोच विचार चल रही है, वो केवल और केवल ये कि केवल और केवल मुझे यीशु मसीह से आशीष को प्राप्त करना चाहिए। नहीं, मैं आशीषों के खिलाफ नहीं हूं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आशीषित हों। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि केवल और केवल हम उन्हीं बातों पर निर्भर हो जाएं, जबकि ये हमें सुसमाचार को प्रचार करने से रोकती है। और आप ध्यान देंगे, प्राचीन कलीसिया कैसी थी। आप जब प्राचीन कलीसिया के बातों को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा वे लोग अक्सर अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते, अपने जीवन में वो ज्यादातर परमेश्वर को प्रथम स्थान, सुसमाचार को प्रथम स्थान देते थे। लेकिन आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है, आज हमारी सोच विचार किन बातों पर रुकी हुई है, आज हमारे मनों में क्या चल रहा है, आज किस प्रकार हम यीशु मसीह को देखते हैं, किस प्रकार से आज हम परमेश्वर के राज्य को देखते हैं। प्राचीन की कलीसिया सुसमाचार को सुनाने के लिए उन्होंने जो कुर्बानियां दी, उन्होंने जो बलिदान दिए, हम कई बार उसको भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं प्राचीन की कलीसिया में वहां पर क्या होता है, लोग किस प्रकार से सुसमाचार के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से दे दिया है। और जैसा कि हम प्रेरितों के काम में पाते हैं कि प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 40 और 41 वचन, हम 41 वचन में जब पढ़ते भी, इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। अब देखिए, प्राचीन की कलीसिया में जो प्रेरित हैं, जब वो सताए गए, जब वे अपमानित हुए, उन्होंने उस बात को अपने लिए इनाम के रूप में देखा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें कोई बड़ा अवार्ड मिला हो। जब वो सताए गए, जब वो पीटे गए, आज की कलीसियाओं में जब हम गवाहियों को देखते हैं, अक्सर हमने अपनी कलीसियाओं में आशीष के विषय में गवाहियों को
देते हुए लोगों को सुना है। जब किसी ने घर लिया उस समय वो गवाहियां देते हैं, किसी ने गाड़ी ली उस समय गवाहियां देते हैं, किसी को संतान हुआ उस समय वो गवाहियां देते हैं, किसी को अच्छी जॉब मिल गई उसके लिए गवाही देते हैं। नहीं, हमें इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, इसका मैं खंडन नहीं कर रहा। लेकिन मेरे प्रियो, विशेष बात यह है कि हम बाइबल से जुड़ी हुई या बाइबल के विचारों की गवाहियां क्यों नहीं आज दे पा रहे हैं? क्यों नहीं कलीसिया में ये गवाहियां होती हैं कि मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया, मैंने उसकी मदद की, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, मैंने बाइबल को पढ़ा। क्यों आज इस प्रकार की गवाहियां हम नहीं सुन पाते? और ये कहीं ना कहीं सुसमाचार प्रचार में बाधाओं को उत्पन्न करती है। आइए हम कलीसिया के उन 5 उद्देश्यों को देखें कि कलीसिया का उद्देश्य है क्या, और इनमें हम 5 बातों को देखेंगे। पहली बात, आराधना। कलीसिया का उद्देश्य है आराधना करना, आराधना करने वाली कलीसिया। दूसरी बात, चेला बनना। और यह महत्वपूर्ण है कि कलीसिया के अंदर चेले बने, चेले बनना। तीसरी बात, सहभागिता मनाना, लोगों के साथ संगति करना। चौथी बात, सेवा करना। पांचवी बात, चेला बनाना। और 5ों बातें महान आदेश और महान आज्ञा से ली गई हैं। फिर से एक बार हम इसे दोहराएंगे, आराधना, चेला बनना, सहभागिता मनाना, सेवा करना और चेला बनाना। अब ये 5 उद्देश्य जो कलीसिया में होने चाहिए, हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि परमेश्वर ने कलीसिया को इस पृथ्वी पर क्यों स्थापित किया। आखिर परमेश्वर का मकसद क्या है, और हमें इन 5 बातों में इसका जवाब मिल जाता है कि परमेश्वर ने कलीसिया को क्यों स्थापित किया। और जब तक हम कलीसिया के इन उद्देश्यों को सही रूप से नहीं समझेंगे, तब तक हम अपने उद्देश्य के अनुसार यीशु मसीह को देखते रहेंगे, अपने उद्देश्य के अनुसार सुसमाचार को देखते रहेंगे। आइए हम तीसरी बात को देखें, व्यक्तिगत जिम्मेदारी में समझदारी की कमी। एक मसीह होने का अर्थ स्थानीय कलीसिया में शामिल होना है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि यदि हम मसीह हैं तो हमारा स्थानीय कलीसिया में शामिल होना, वरन उन तमाम कार्यों में भी हिस्सेदार होना जिससे हम व्यक्तिगत सुसमाचार लोगों को सुना सके। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 12 से 27 में हम देखते हैं, वहां पर एक देह के बारे में जिक्र किया गया है, और यह बताया गया है क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। और जब हम इन वचनों को देखते हैं तब हमें मालूम होता है कि पौलुस प्रेरित किस प्रकार से कलीसिया को एक देह के रूप में व्याख्या करते हैं, और इस प्रकार से वो बताते हैं कि शरीर के एक भाग के रूप में प्रत्येक मसीह कलीसिया के क्रियाकल्पों में व्यक्तिगत शामिल होने को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर आप देखेंगे पौलुस प्रेरित इस बात पर जोर देते हैं कि किस प्रकार से
कलीसिया देह के समान है, और जिस प्रकार से हमारे शरीर में अलग अलग अंग अलग अलग तरीकों से काम करते हुए भी वो एक हैं, भला ये कैसे हो सकता है कि अगर हमारे हाथ को चोट लगे तो हमारे पैर को महसूस ना हो, बल्कि अगर हमारे शरीर के किसी भी भाग में हमें चोट लगती है उसकी वजह से हमें पूरे शरीर को वो दर्द सहना पड़ता है। और उसी प्रकार से पॉलिस प्रेरित इस बात को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार से कलीसिया में अलग अलग लोग तो हैं, लेकिन वे सभी मसीह की देह में एक है। इसका तात्पर्य है कि उन सबों को, हम सबों को मिलकर सुसमाचार प्रचार के कार्यों को करना चाहिए। वरन कोई भी काम हो, कलीसिया के अंदर होने वाली हर एक कार्यों के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर हम उन कार्यों में अगर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ये काम तो केवल पास्टर जी का है, ये काम तो केवल उनका है, हमारा ये सोचना गलत है। क्योंकि जिस प्रकार शरीर, हमारे शरीर के अंग एक दूसरे से नहीं कह सकते, उसी प्रकार से हम भी एक दूसरे से नहीं कह सकते। और अगर हम इन बातों से भागना भी चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका कारण है मेरे प्रियो, क्योंकि कलीसिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो ये सभी कलीसिया के कार्यों के लिए, सुसमाचार के लिए वो जिम्मेदार हैं। और ये कलीसिया का कर्तव्य बनता है कि सभी लोग, कलीसिया के तमाम सदस्य मिलकर इस सुसमाचार की सेवकाई को आगे बढ़ाएं। आगे हम मरकुस 2 अध्याय 1 से लेकर 11 तक में हम वहां पर यीशु मसीह के द्वारा कहे गए उन वचनों को पाते हैं जिनमें एक बीमार व्यक्ति को 4 लोग यीशु मसीह के पास लेकर आए हैं, और जबकि वो उस बीमार व्यक्ति को जब लेकर आ रहे थे उन्होंने समस्याओं का सामना किया। समस्या ये थी कि जिस घर में यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहे थे उस घर के दरवाजे पर इतनी भीड़ थी कि लोग अंदर नहीं जा सकते थे, और इसीलिए इन 4 मित्रों ने एक योजना बनाई और उन्होंने उस व्यक्ति को खाट पर लिटाकर उसे रस्सी से बांधकर उसकी छत को, जहां पर यीशु मसीह थे उसकी छत को खोलकर वहां से उस बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने लटकाते हैं। और मेरे प्रियो, अगर आप देखेंगे इस कहानी में कि किस प्रकार से इनके सामने समस्या तो आई, लोगों की भीड़ थी, वो जा नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझा कि मुझे किसी भी हालात में इस व्यक्ति को जो कि बीमार है इसे मैं यीशु मसीह के सामने लेकर जाऊं, यीशु मसीह के पास लेकर जाऊं। और आज हमारी जिम्मेदारी को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते। आप देखेंगे दुनिया के अंदर बहुत सारी बातें घट रही हैं इन समयों में, महामारियों के बाद समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आए दिन हमने भूईडोल को देखा है, हमने आए दिन देश के अंदर विद्रोह को देखा है, हमने आए दिन लोगों को निराश होते हुए आत्महत्या करते सुना है, और इस प्रकार की न जाने कितनी ही बातों के कारण लोग आज पीड़ित हैं। और ये हम सबों की जिम्मेदारी है कि हम यीशु के वचन को लेकर उनके पास जाएं। जिस प्रकार से यहां पर इन 4 मित्रों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और बुद्धिमानी के साथ
बाधाएं आपके जीवन में आएंगी, हमारे जीवन में आएंगी, हमें उसे दूर करना होगा अगर हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और हम इन बातों से सीख सकते हैं कि हमारा एक होना बहुत जरूरी है, हमें बुद्धिमानी के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की आवश्यकता है। आइए हम चौथी बात को देखें। हृदय में डर महसूस होने के लिए हमारे जीवन में सुसमाचार सुनाने से पहले ही हमारे मनों में डर है, और ये एक बड़ी बाधा है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि डर मुझे नहीं लगता, डर आपको नहीं लगता, हम सबों के जीवनों में डर है, लेकिन हमें इस डर पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में हम लोग ये समझ बैठते हैं कि नहीं, हम लोग असफल हो जाएंगे, नहीं ये हो ही नहीं सकता, या तो लोग हमारा विरोध करेंगे, और ये सारी बातें हमारे सामने आ जाती है। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि अभी तक हमने उस डर का सामना नहीं किया और उसके बावजूद हम डर रहे हैं। हमें सुसमाचार को प्रचार करना चाहिए, हमें देखना चाहिए मेरे प्रियो, हमें इस बात को याद रखना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा उनके जीवनों में अलौकिक कार्य करेंगे, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य उनके जीवन में काम करें, परमेश्वर का वचन उनके जीवनों को बदलेगा। आपको और केवल उन्हें सुनाना है। हम जब तक उन्हें नहीं सुनाएंगे तब तक हम किसी भी रीति से ये समझ नहीं पाएंगे कि हम डर क्यों रहे हैं। कई बार हमें अपने डर का कारण समझ नहीं आता, बस हम डरते हैं कि लोग विरोध करेंगे, बस हम डरते हैं कि लोग मना कर देंगे, डरते हैं कि लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये हमारा कार्य नहीं है मेरे प्रियो। तो हमें अपने डर को, डर पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहली बात तो हमें लोगों को सुनाना चाहिए। दूसरी बात, हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि यदि विरोध होता है, यदि लोग हमारा अपमान करते हैं, ये हमारे लिए एक अवार्ड मिलने वाली बात होगी, यह हमारे लिए एक सम्मानजनक बात होगी कि हम मसीह के लिए सताए जाते हैं, मसीह के कारण लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, और ये बातें हमें बल देंगी। और इसीलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में इस डर को दूर कीजिए। आवश्यक है कि हम इसके लिए प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के करीब आते हैं, और हम जितना उसके करीब आते हैं हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने चेलों को कहा ठहरो, प्रेरितों के काम 1:8, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओ। और इन बातों के अनुसार हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। यकीनन जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं आप अकेले नहीं है, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आइए हम चौथी बात को देखें, और चौथी बात है समर्पण एवं प्रतिबद्धता। परमेश्वर के राज्य के लिए हमारा समर्पण होना बहुत जरूरी है। हमें मान लेना चाहिए कि हम इसके लिए ही बुलाए गए हैं, हमें ये करना ही है। जो लोग अपने आप को परमेश्वर एवं उसके राज्य के लिए समर्पित करते हैं, वो लोग सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए भी विश्वास योग्य रहते हैं। जब तक आप अपने आप को समर्पित नहीं करते तब तक आपके जीवन में ये एक बाधा को लेकर आती है, आपके जीवन में एक रुकावट को उत्पन्न करती है। आप सुसमाचार के प्रति विश्वास योग्य नहीं रह सकते। अगर आपने ये निर्णय ले लिया नहीं परमेश्वर मुझे करना ही है, जब आप अपने जीवन में इस बात का निर्णय लेते हैं आप उसके प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, आप वफादार रहते हैं। दूसरा पत्रस 2:5 में हम देखते हैं कि किस प्रकार से नूह को धार्मिकता का संदेश देने वाला कहा गया है।
अगर हम पवित्र शास्त्र से उस घटना को पढ़ें, तो हमें मालूम होगा कि किस प्रकार से नूह वो लोगों को संदेश दे रहा था, वो बता रहा था, लोगों ने नहीं माना। देखिए, पहली बात तो हमें इस बात को समझना है कि हमारा जो समर्पण है वो प्रभु के प्रति है। लोग मानते हैं नहीं मानते हैं ये सोचना हमारा काम, क्योंकि मन को बदलना परमेश्वर का कार्य है। और यही कारण है कि नूह को जो है धार्मिकता का संदेश देने वाला कहा गया। तो आप और हम जरा सोचिए, क्या आज के समय में भी हम धार्मिकता का संदेश देने वाले कहलाए जा रहे हैं? और इन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित नहीं करेंगे, कई प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आएंगी। देखिए, जब आपके पास समर्पण है तो आप सारी बाधाओं को दूर करेंगे। बहुत सारी ऐसी गवाहियां हम सुनते हैं आए दिन कि किस प्रकार से मसीह लोगों ने विरोधों का सामना किया। आज भी कई कई जगहों पर वो सताव को सह रहे हैं, उसके बावजूद भी वो प्रभु से दूर नहीं हो रहे, वरन परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। यह है समर्पण। आपके और हमारे जीवन में समर्पण का होना बहुत जरूरी है, विशेष रूप से सुसमाचार प्रचार के लिए। तो मेरे प्रियो, आज हम एक निर्णय लें कि परमेश्वर, मैं अपने आप को सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार करना चाहता हूं, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। हाँ, मुझ में कई प्रकार की कमियां पाई जाती हैं, आज से मैं उन्हें दूर करने का निर्णय लेता हूं। आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। और मेरे प्रियो, जो भी बाधाएं हमारे जीवन में आएंगी वो दूर हो जाएंगी, और जब ये बाधाएं दूर हो जाएंगी, हम और हमारी कलीसिया बहुत सारी आत्माओं को प्रभु में जीत लाएंगे। परमेश्वर आपको इन बातों को समझने की सामर्थ्य दे और अपने राज्य में सुसमाचार प्रचार के लिए तैयार करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और विशेषकर मेरे प्रियो, हम सभी इस बातों के विषय में सोचे कि हमारी जो कलीसिया है वो सुसमाचार में आने वाली बाधाओं को किस प्रकार से दूर करती है या किस प्रकार से दूर करेगी। आज हम सभी को इन सभी विषयों के बारे में सोचना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप निरंतर प्रभु के सुसमाचार कार्यों में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद।